मध्य प्रदेश में नवंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा की तैयारियां जारी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 6 महीने बाद छुट्टी होना तय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और झाबुआ कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव नवंबर माह में प्रस्तावित है, ऐसे में सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दें ताकि प्रदेश में फर्जी वोटिंग को रोका जा सके। वहीं कांतिलाल भूरिया ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 6 महीने के बाद छुट्टी होना तय है। 6 महीने बाद उनकी छुट्टी होना है, छुट्टी होना है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये घबरा रहे हैं और लोगों को बहका रहे हैं। तो ये सारी चीजें चुनाव में बहुत धांधली करने वाले हैं। अभी उन्होंने जो डा बूढ़ा और पेंशन अंधे लुढ़े उनको 4-5 दिन पहले मतदान करा लेंगे, ये चुनाव आयोग से के करवाया उन्होंने, उसमें भी बदमाशी करेंगे। जहां कार्यकर्ता सक्षम है, चाहे हमारे जो बूथ कमेटी वाले हैं, दूसरे हैं, हमारे जो लोग हैं, एक्टिव होगा तो ताकि उनको आए तो उनको जो भी सही व्यक्ति है उससे मतदान कराए, नहीं तो जाना किस किस का मतदान करा के ले जाएंगे। अधिकारी आपको मालूम ही नहीं, जाएगा चुपचाप सबको बुला लेगा, ये अभी अंधा नहीं लूड़ा नहीं पंगला ना, 5,000 5,000 25,000 का ले जाए दस्तखत करा के वो दे देंगे कि ये बीजेपी पक्ष में एक तरफ हुआ। तो वहां भी अगर आए तो साथ में रहना, भाई ये लूला है, ये लंगड़ा है, ये अंधा है, ये तो उसका ही मतदान अंगूठा मतलब बटन पे दबे वो या लिख के प्रमाण पत्र दे, नहीं तो ये प्रभार है सब सारा खेल वहां कर लेंगे। उसी तरह से नकली मतदान कराने का भी प्लानिंग बना रहे हैं। अगर हमारे बूथ कमेटी के सेक्टर के ये सब मजबूत होगा तो नकली मतदान नहीं हो सकता, पर ये अभी से तैयारी कर रहे हैं। और मतदाता सूची में भी नाम नकली जोड़ रहे हैं, गुजरात के, राजस्थान के, उधर के जाना कहां कहां के नाम जोड़ देंगे और सुबह सुबह 6 बजे खड़े कर देंगे लाके, और अपने लोग आराम से खाना वाना खा के जाएंगे। यार वो बूथ पे बैठा पोलिंग वाला भी आखिरी में जाएगा, तब तक मतदान करके वो निकल जाएंगे, समझेंगे नहीं समझे। पेटी बंद होने के पहले जाके अपना बूथ कमेटी के जो लोग बैठ जाए वहां, और वहां देखे ये आदमी कहाँ का, यहाँ का, वहां कहाँ का, उसको परखो। अगर वो अच्छा आप गलत आ रहे बाहर का, तत्काल पुलिस को कहो ये वहां यहाँ का नहीं है, बाहर का है, उसको पकड़ो, पकड़ के उसको जेल में डालो। 2-4 को अंदर करवा दे तो कोई नहीं जाएगा, नहीं ये करेंगे। नकली मतदान करने की उन्होंने तैयारी कर रखी है ताकि मतलब असली आदमी देर से जाकर फिर जाकर मेरा आ गया, भाई तो वोट डाल के गया, तू तो गया, तू कहा था, उसको वोट डालने में अपने वोट दूसरे से डलवा देंगे। तो वहां भी आपको देखना है कि अपने मतदान के समय हमारे लोग अभी बूथ कमेटियां और जो सूचियां बनी हुई है उसको चेक करें, मर गया उसका नाम कटवा दो, जो आदमी यहाँ का नहीं है उसका नाम कटवाओ। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।